कौन सा कैसे होगा देंगे, क्या चीज़ मांगेंगे उससे आप? उससे आप ये कहेंगे कि एक हमें मुझे आपकी वेबसाइट का URL चाहिए, एक मुझे आपकी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग वाली है तो मुझे सी पैनल का एक्सेस दें शुरू में। अगर आपकी वेबसाइट CMS वाली है तो मुझे अपना WP लॉगिन यानी WordPress का इंटरफेस का यूज़र नेम और पासवर्ड दें, WP लॉगिन दें। मुझे खोली थी ना हमने WordPress की वेबसाइट, उसमें WP लॉगिन था ना हमारे पास। तो अगर आपके पास सी पैनल आ जाएगा तो सी पैनल से आपने ये भी देखा था कि मैं सी पैनल से भी डायरेक्ट WordPress में जा रहा था, ठीक है। और अगर वो कहेगा नहीं जी मैं सिर्फ WordPress आपको देता हूँ वहाँ जाकर, क्योंकि ऑन साइट SEO तो WordPress के इंटरफेस से भी हो जाएगी, लेकिन जब टेक्निकल SEO की बात करेंगे, जब कुछ अपलोड्स करना होगा तो फिर हमें सी पैनल चाहिए होगा। यूजर नेम पासवर्ड किस चीज़ का चाहिए? यूजर नेम सी पैनल का चाहिए होगा, और यूजर नेम WordPress का भी तो चाहिए होगा ना, वो WP लॉगिन नेम होगा, उसका पासवर्ड होगा, वो आपको WordPress में लेकर जाएगा। सी पैनल पे काम करना होगा तो वो सी पैनल पे लेकर जाएगा। तो इस तरह तो अगर मेरे सी पैनल में कोई 4-5 वेबसाइट्स डोमेन्स पड़ी हुई तो फिर सब तक एक्सेस हो जाएगी उसकी? नहीं देगा ना वो, फिर देखो वो नहीं देगा। फिर हम वेबसाइट कैसे एडिट करें हैं, फिर हम वेबसाइट कैसे उसको ये तो फिर वो देखे। बेसिकली बात क्या होती है कि क्लाइंट को इस बातों का नहीं पता होता, क्लाइंट को नहीं पता कि इसने क्या किया हुआ, ये गेम तो उसने आगे से खेली होती है। ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जिनके वो शेयर नहीं करते, फिर हम उनको शिफ्ट करवा देते हैं, हम उनसे कहते हैं ये तो आपको उसने शेयर किया हुआ, शेयर होस्टिंग दी हुई है, और जबकि वो पैसे उनसे पूरे ही लेते हैं, लेकिन करते क्या हैं वो एक ही पैकेज बाय कर लेते हैं, उसी पैकेज के अंदर वो सारी होस्टिंग दे देते हैं, ठीक है। वो तो फिर आप उसके डिपेंडेंट हो गए ना, फिर वो आपको क्या करेगा, इसी तरह करेगा जैसे मैंने किया आपके साथ, वेबसाइट दे देगा ना डाउनलोड करके, ठीक है भाई इस पर काम करके चेंजेस कर ले फिर मुझे भेज दीजिएगा मैं अपलोड कर दूंगा। तो फिर तो आपको जब जब कुछ करना हुआ करेगा आपको हर दफा उसका होगा, लेकिन जब आप क्लाइंट को ये बात बताएंगे तो ये कहेगा कि मैंने तो इसको 8-10 हज़ार रुपया दिया हुआ, तो इसने मुझे शेयर पे लगाया हुआ, तो अगले ही साल वो चेंज कर लेगा, फिर वो अपने पास इंडिविजुअल पे आ जाएगा, ठीक है। उसको ये भी होगा कि मेरा डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर सब लीकेज भी हो सकती है, डाटा ख़राब भी हो सकता है, तो बेहतर यही होता है कि मैं हर क्लाइंट को यही कहता हूँ कि आप अपनी बाय करें। क्लाइंट की होस्टिंग, लेकिन अगर किसी ने किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट किया होगा कि जनाब आपको होस्टिंग भी नहीं खरीदनी, आपको डोमेन के पैसे भी नहीं देने, आपको होस्टिंग के पैसे भी नहीं देने, होस्टिंग भी मुफ्त है, फिर वो यही करेगा ना कि उसके पास क्योंकि पैकेज मौजूद था तो वो वेबसाइट को चार्ज कर रहा है और ये चीज़ें नहीं दे रहा उसको। अच्छा अब आ जाएं इधर, ये देखें ये हमने SEOability यूज़ किया है, SEO Check यूज़ किया, उसके बाद ये आ रहा है 57% इसकी SEO हुई है इस वक्त। एक्सटर्नल फैक्टर्स सबसे वीक हैं क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इसका कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ये इसकी वजह से रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं इसकी, इसकी रैंकिंग ऊपर वाली चीज़ों से बढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, ये जो 30% 7 है ना, ये इंक्रीज़ होगा, बढ़ जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन इंक्रीज़ होगी, बढ़ जाएगी 70% पे, तो ये ईजिली आ जाएगी। पेज स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अगर बढ़ा लें, पेज स्ट्रक्चर में भी कुछ SEO का रोल है और कुछ डिज़ाइन का रोल है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है एड, अब ये चीज़ें आपने करनी है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबके पास ये वेबसाइट है, सब अपने बिहाफ अपने पास बैठकर इस वेबसाइट को ठीक करें, और मैं सबकी जो जो ठीक करके लाएगा ना सबकी वेबसाइट को अलग-अलग होस्टिंग पे लगा दूंगा चेक करने के लिए, आखिर में हम उसी के पास रहने देंगे जिसकी एक्चुअल होगी। सिर्फ आप अपना टेस्ट ले लें कि आपने कितनी इंप्रूव की है, अपने आप को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ताकि आप सबको पता लगेगा कि आपने ये फैक्टर्स रिमूव कर दिए, उसके कौन से फैक्टर्स अब रह गए, क्योंकि जब हम दोबारा लाइव करेंगे तो फिर SEO का चेक होगा ना दोबारा से, एक दफ़ा फिर आपने जो किया होगा उसका अलहदा चेक होगा, आपने जो किया होगा उसका अलहदा होगा, आपने जो किया होगा उसका अलहदा होगा, जिनकी अपनी वेबसाइट है उनका जब हम करेंगे तो उनका अलहदा होगा, तजर्बा हो जाएगा आपको। फिर एक को हम रहने देंगे ताकि डुप्लीकेशन का इशू ना आए जो कि असल में है, बाकियों को मैं रिमूव कर दूंगा, फिर आप अपनी साइट पर काम करना। अगर आप में से किसी की अपनी साइट्स रेडी हैं तो वो मुझसे अपलोड करवा लें, लेकिन उसमें फिर लंबा काम हो जाएगा ना, इसमें तो ये है कि इन 2-3 दिनों में आप ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप अपनी ऑन साइट SEO की प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये कहता है एड H1 हेडिंग टू दिस पेज, ओ इसका क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब क्या, इसका तो मतलब ये कहता है कि इस पर H1 हेडिंग नहीं लगी हुई, लगी है अब लगाइए, हाँ वो ये कह रहा है कि इसमें H1 हेडिंग लगाओ। अच्छा उसके बाद क्या है, ये वाला इशू हो सकता है रिजॉल्व हो या हो सकता है ना हो, ये भी देखना है आपने। क्या लिखा हुआ है, रिमूव द एम्प्टी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग्स फ्रॉम, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, आपको पूरे पेज में से इनको ढूंढना है, और ये लगे कैसे हुए, मतलब एम्प्टी का क्या मतलब है कि आपने लिखा B और /B,
बीच में कुछ भी नहीं है, यानी किसी कंटेंट के बगैर ही टैग लगा हुआ है, तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ है ये, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे तो ये दूसरा एरर भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनेबल द कंप्रेस्ड, जी इनेबल द कंप्रेस्ड एचटीएमएल कंटेंट ट्रांसफर ऑन योर सर्वर यूजिंग जीजिप। अब अच्छा, हमने जो इसको कंप्रेस किया था आपको याद है ना, किसी और तरह किया हुआ है, तो कहता है जीजिप के साथ इसको कंप्रेस करके दोबारा से अपलोड कर ले, तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि जीजिप जो है वो इस होस्टिंग का अपना कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। आपको याद होगा जब मैंने जिप किया था कितने सारे ऑप्शन आ रहे थे, तो कहता है ना जीजिप के साथ करना है कि किसके साथ करना है। अच्छा, उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ कि जीजिप से उसे कंप्रेस करना, कंप्रेस हो जाएगी और फिर उसको अनकंप्रेस कर ले, ठीक है। सो ये वाला फैक्टर भी रिमूव हो जाना चाहिए। Try to reduce the number of used CSS files. अब ये वाला जो काम है ये आपने नहीं करना, ये डेवलपर को कहना है कि भाई ये इशू आ रहा है, तो जिस हद तक आप इसे रिमूव कर सकते हैं, हो सकता है वो ये कह दे कि नहीं भाई ये कम अज कम मैंने किया हुआ है, इससे ज़्यादा कम तो नहीं कर सकता, सो ओके फिर तो नहीं, इस फैक्टर को हम छेड़ नहीं सकते, तो क्लाइंट को भी कह देंगे कि भाई ये वेबसाइट डिवेलपर का इशू है ये वाला, ठीक है, तो ये CSS ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। CSS की कोडिंग भी प्रोग्रामेबल टाइप कोडिंग होती है और जावास्क्रिप्ट कोडिंग भी प्रोग्रामेबल कोडिंग होती है, तो वो गूगल ये कहता है कि इसको यूज़ ना करें या कम अज कम पहले वाले हिस्से में यूज़ ना करें, जो हम लोगों ने टेक्निकल एसईओ में पढ़ा था। कौन सा हिस्सा था वो? अबव द फोल्ड कंटेंट। कहता है अबव द फोल्ड कंटेंट में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए कि स्क्रिप्ट यूज़ करने हैं आपने कोई कलरफुल इमेज देने के लिए वेबसाइट में, तो आप इसको अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे ले आए, मतलब यूं करते हैं ना जब हम, तो जब नीचे वाला हिस्सा आ रहा है ना वहां पे लगाओ इसको, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लाइंट आपको हायर करके वेबसाइट बनाए तो आप फिर पहले सजेशन दे रहे हैं उसको कि भाई इस पे आपने स्लाइडर नहीं लगाना, और अगर स्लाइडर लगाना है तो अबव द फोल्ड कंटेंट से, बल्कि आप किसी डेवलपर को बताओगे वो खुश भी होगा, उसके भी नॉलेज में आप इजाफा कर देंगे ना, अगर उनको इन बातों का, डेवलपर्स को इन बातों का नहीं पता, क्योंकि ये बातें डेवलपर से रेलिवेंट नहीं है, डेवलपर का तो मतलब है इंटरफेस, बस वो तो इंटरफेस बना कर दे देंगे आपको। ट्राई टू यूज नंबर ऑफ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइलों को रिड्यूस करो। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी, उसके बाद देखें, कहता है द लेंथ ऑफ पेज टाइटल इज परफेक्ट, ठीक है, कहता है आपके पेज की टाइटल की जो लेंथ है वो 297 पिक्सल्स है, इज फाइन, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर नॉट डुप्लीकेट वर्ड्स इन द टाइटल, इसका क्या मतलब हुआ कि टाइटल के अंदर डुप्लीकेट वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, इन्होंने नहीं किए हुए, क्योंकि टाइटल में लेंथ है ना हमारे पास अभी, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, तो डुप्लीकेशन नहीं करनी है आपने, ठीक है, आपने इस तरीके से यूज़ करना है, अगर यूज़ भी करना है तो उस तरीके से यूज़ करना है जो मैंने आपको साइंस बताई थी कि मीनिंगफुल तरीके से कीवर्ड को यूज़ कर लें, लेकिन वर्ड सेम नहीं होना चाहिए फिर दोबारा से। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन, तो कहता है भाई ये मेटा, हालांकि मेटा ही उसका लगा हुआ है, इसका ही क्या मेटा लगा हुआ है, इसको रिमूव करें, ठीक है, उसने कहा भाई ये है ये कैसे हो सकता है, अभी देखते हैं, आपकी लाइव से ही देखते हैं, ठीक है, मैं कहता लाइव से ही देखते हैं, ये कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि एक जगह और हो एक जगह ना हो। आए वापस, आपका प्रोजेक्ट मैंने यहाँ सेव किया था ना आपके पास, अपने पास, डीएम नवंबर प्रोजेक्ट में, ये मैंने डाउनलोड कर दी थी कि नहीं, निकाली नहीं थी तो से, मैंने आपसे कहा था मैं आपको दोबारा भेजता हूँ, भेजी थी कि नहीं भेजी थी, भेजी थी मैंने रख लिया, इसका मतलब डाउनलोड में, इसका मतलब डाउनलोड में पड़ी होगी ना ये, तो इसको उठाते हैं यहाँ से और इसको वहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले जाए, इसको डिलीट कर दूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ, ठीक है ना, और इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, आपकी फाइल को खोलते हैं, मेटा 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 ये लाइन नंबर 29, ठीक है ना, इसको आपने रिमूव करना है, वो ये कह रहा है
इसको रिमूव कर दो, ठीक है। इधर आ जाए वापस। यहाँ थे? अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? देयर आर नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये कह रहा है, ये एक तो ये तो हम कह रहे हैं कि लिखा गलत हुआ है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये 1000 पिक्सल्स, क्या कहते हैं, दैट इज टू लॉन्ग है, 1000 पिक्सल होना चाहिए। मैंने 900 कुछ बताए थे आप लोगों को, शायद 980 बताए होंगे ना, तो अबाउट वो 1000 ही बनते हैं। हाँ सर, इसका वेबसाइट कौन सी थी जहाँ से ये पिक्सल देख सकते हैं? वो ऑल टू द वेब, ये सारे लेक्चर्स में मौजूद है, स्लाइड भी दिए हैं आपको, उसमें लिंक्स लगे हैं मेरे सारे। अच्छा, उसके बाद देयर आर नो प्रॉब्लम्स, ये आप वैसे नहीं चेक कर सकते ना, ये मतलब इमेज तो है नहीं का, फोटोशॉप में जाकर उसका इमेज क्वालिटी चेक कर सकते हो, तो ये आपने टू द वेब से ही चेक करना है, क्योंकि पिक्सल आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, पिक्सल आप काउंट भी नहीं कर सकते। क्रॉलेबिलिटी इशू कोई नहीं है, कहता है, कहता है गुड, कैनोनिकल भी आपने बताया हुआ है, ये रिमूव करके देखिएगा, स्कोर खत्म, आपका एक फैक्टर और कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, लैंग्वेज डिटेक्टेड इंग्लिश, लैंग्वेज डिफाइंड EN, सर्वर लोकेशन फिनलैंड, ठीक है, यानी कि ये जहाँ पर है वो सर्वर कहाँ गया, फिनलैंड का सर्वर, ये हमसे कोई रेलिवेंट नहीं है इसकी बात, इसको ओके इन्फॉर्मेशन उसने आपको एक दे दी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, देर आर नो अल्टरनेटिव लिंक स्पेसिफाइड ऑन दिस पेज, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, हाइपर रेफरेंस, हाइपर लिंक्स के लिए एक और सपोर्टिव लैंग्वेज, ठीक है, ये मैं अभी वहां पर गूगल पे जाके लिखता हूँ, आपको खुद ही पता लग जाएगा। HREF लैंग, जी इस पर क्लिक करो जी जरा। द HREF एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ ऑफ द लिंक डॉक्यूमेंट्स, कहता है इसमें जो आपने लिंक किया हुआ है उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, लिंक्स बने हुए हैं ना इसके अंदर। दिस एट्रीब्यूट इज ओनली यूज्ड इफ द HREF एट्रीब्यूट इज सेट, कहता है अगर आपने HREF का एट्रीब्यूट सेट किया होगा तो तब आपको ये बताना है, मतलब ये कोई इतना अहम नहीं है बताना, लेकिन हम बता देते हैं। करेक्ट HREF टैग्स आर क्रिटिकल टू इंटरनेशनल SEO सक्सेस, देखे ना ये बेसिकली कहाँ जा रहा है, मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट लोकल है तो उसकी तो इसको जरूरत भी नहीं है, HREF तो जाएगी उसी वक्त, है ना, लैंग्वेज की बात तो उस वक्त करेंगे जहाँ पर मल्टी लैंग्वेज में हमें कुछ करना है। ये तो चेकर था, यहाँ पर कोड भी आ जाएगा इसका। ये टूल है, इस पे क्लिक करो सर। जी जनरेट द HREF टैग नाउ, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, URL लिखे यहां पे, URL लिखा जा सकता है ना, इनकी वेबसाइट ऑनलाइन है ना, ये ऑनलाइन नहीं है, वो कह रहा था ऑफलाइन भी वैसे हो सकता है, ऑनलाइन यही है। आगे कॉपी किया मैंने इसको, हाँ जी SSL अप्लाई हो गई है, कल तक नहीं थी ना, वो खुद तो करिए, बेसिकली इस पे था ना SSL, SSL परचेज है इसमें ना, इस वजह से हो गई है। ये अब सोफा वाली में लगाते हैं, फिर ना होती सही, फेविकॉन और लोगो जो है सेम होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकते, नहीं बेसिकली तो कहना तो आप यही चाह रहे हैं कि सेम है, अब आपकी मर्जी, आप चेंज करना चाहें, बेसिकली तो आपकी आइडेंटिटी है ना, तो वो सेम ही होने चाहिए, क्योंकि कह तो यही रहे हैं ना, पहचान हमारा लोगो, और असल में लोगो ही हम उधर दिखा रहे हैं, उधर भी लोगो ही दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, यही है। अच्छा
अच्छा ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द यूआरएल, क्या कह रहे जी, इंग्लिश, सिलेक्ट कंट्री ऑफ द यूआरएल, पाकिस्तान, अच्छा जी, और क्या कह रहे आगे, हो गया। अगर आपने एडिशनल लैंग्वेज भी कोई बनानी है तो यहां से बना सकते हैं, मतलब ये उस सूरत में जब मैं कहूंगा मेरी वेबसाइट जर्मनी में भी देखी जा रही है तो फिर मैं बता दूंगा उसको, ठीक है, किसी और कंट्री में, मैं कहता हूँ चाइना में देखी जा रही है तो यहाँ से वो भी ऐड करूँगा, मैं कहता हूँ जनरेट, तो सर ये वाला टैग क्या करेगा, मतलब उसको ट्रांसलेट कर दो उस लैंग्वेज, एक कोड आ जाएगा मेरे पास, मैं क्या, एक कोड आएगा मेरे पास, अच्छा जी क्या जनरेट नहीं हुआ अभी, ऊपर कर दिया ना हमने, तो चली गई ये लैंग्वेज, नहीं नहीं एक्सेप्ट तो हुआ है, एक मिनट अच्छा डाउनलोड नहीं हुआ अभी, नहीं दोबारा से पहले कर ले, तो गायब हो गई है ना लैंग्वेज, गायब हो गई है, उसे यूआरएल भी चला गया, अब आ गया, ऐसी मुश्किल में पड़ गए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान, अब अटेंडेंस लगवा लें, अब अटेंडेंस लगवा लें, कुछ नहीं नहीं रहो छोड़ो इसको, उसमें आ जाए प्रोफेशनल, एक कौन सी वेबसाइट है हमारी, किचन, यही थी वो, एक स्टार्स कॉलेज वाली है ना, मैंने किसी पे लगाया होगा, प्रोफेशनल वाली खुली है कि नहीं, नहीं सही नहीं लिखा मैंने, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट भी था ना, इसका जरा कोडिंग देखते हैं, आ गई है, एक ये एचएफ है, वो एचएफ लैंग था उसकी, हाँ लैंग था, उसको भी फाइंड कर लेते हैं, हाँ जी मैंने खुद ही दिया, किधर है दूसरी, ये अब तो इसे खुलना चाहिए, नेट चल रहा है, कॉपी क्यों नहीं किया कोड, वैसे एक मिनट आ जाए, मेमोरी में तो नहीं किया, नहीं वो तो हमने किया ही नहीं है ना, मेमोरी के बाद हमने कुछ और भी कॉपी किया, जनरेट एज अ टैग फॉर दिस यूआरएल, ठीक है, एट्रीब्यूट इन एन एक्सएमएल साइट मैप टैग्स टू इंक्लूड, ये था, फिर दोबारा से लगा लेते हैं, मेमोरी में ना लेके जा रहा हो, चलो हम लोगों ने कौन सी इसको लगानी है, कोई सी भी कर दें, ये क्या है, टैग करो, अब आया, पहले नहीं था नजर आ रहा, आगे ना नजर नीचे, ये आपको सब बता देगा, फिर आपको जनरेट कर लेना इससे जाकर, ठीक है, ये कोड इसमें लिख देता हूँ ना ताकि जरा क्लियर नजर आ जाए आपको, ये
लिंक ये आपने लाइन ऐड करनी है तो स्कोर और ऐड हो जाएगा आपका, बेहतर हो जाएगा ये जो भी आपने एचरफ लैंग्वेज दी है उसको। सही आ गई है, ठीक हो गया। ये इस लिंक से कर लीजिएगा, ऑनलाइन एचरफ लैंग जनरेटर लिखिएगा तो खुद ही साइट आ जाएगी, उससे जाकर क्रिएट करें। हाँ, हेड में पेज 100%। ये वाली वेबसाइट है जी, कॉपी कर दो ये ग्रुप में। पूछते फिर भी आप मुझसे हैं, ग्रुप से कोई चीज नहीं लेते हैं। मैं क्या, फिर भी आप मेरे से ही पूछ रहे होते हैं, ग्रुप से कुछ लेते हैं नहीं। आप ना ग्रुप में जो जो कुछ लिख रहा होता हूँ ना, ये पता नहीं क्यों बंद हो गया। चले आ जाए, अब आगे चलते हैं, उतनी देर में जितनी देर में इसने खुलना है इसे खुलने देते हैं। किधर है जी, ये भी हो गया। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, अदर मेटा टैग्स। देयर इज नो रिलेशन नेक्स्ट, जरूरत नहीं है इसकी, इट्स फाइन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टैग्स हैं। ये क्या लिखा हुआ, डोमेन दिस पेज इज होस्टेड ऑन सब डोमेन, यूज टॉप लेवल डोमेन फॉर बेटर SEO रिजल्ट, ठीक है। तो कहता है इट्स ओके, चल रहा है काम आपका, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज यू आर एल, नो पैरामीटर्स वर फाउंड इन द यू आर एल। कहता है एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आपने नहीं दिए हुए, जो कि अच्छी बात है। नो सेशन आई डी वॉज फाउंड, वो जो आगे इतना कुछ लिखा हुआ आ जाता है ना यू आर एल के साथ, क्वेश्चन मार्क टैग्स वगैरह, कहता है ओके इसके साथ नहीं आ रहे तो ये अच्छी बात है, ये भी फाइन है काम। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, चार सेट इन कोडिंग, ये पहले से उस पर लिखा हुआ था इसलिए इसका इशू भी नहीं आपका आया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डॉक्यूमेंट टाइप, द डॉक्यूमेंट टाइप HTML5 इज सेट करेक्टली, छोड़ दें आ जाए। फेविकॉन लगा हुआ है और नीचे आए, अब नीचे आ जाए ज़्यादा। ये किस चीज़ को अब चेक कर रहा है वो, और कहता है इसमें आपने 37% अचीव किया हुआ है। ओनली टू पैराग्राफ्स वॉज वर फाउंड ऑन दिस पेज, इसका क्या मतलब है, कमेंट एक्स थोड़ा सा बढ़ाएं, पैराग्राफ्स को बढ़ाएं थोड़ा सा अपने, ठीक है। और पैराग्राफ और सेंटेंस इन दोनों के लिए भी याद रखें, पैराग्राफ भी लेंथी नहीं होने चाहिए और सेंटेंसेस भी लेंथी नहीं होने चाहिए। यानी कि ये ना हो कि एक बंदा आपका पैराग्राफ पढ़े, पैराग्राफ ही ना खत्म हो रहा हो, लेकिन आप अपने मैसेज को मल्टी पैराग्राफ में डिवाइड कर दें। इसी तरह आपका कोई सेंटेंस पढ़ रहा हो तो भाई दो लाइनें तीन लाइनें, सेंटेंस का एंड ही नहीं हो रहा, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं आपने, ज़रा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, 20, ये भी ठीक है जी, स्टॉप वर्ड्स, की वर्ड इज यूज, ये सब कुछ ठीक आ रहा है, जो ठीक आ रहा है उसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं दिस पेज डज नॉट यूज अ फ्रेम सेट, अच्छा ये क्या है, ये एक पुराना HTML का टैग है, फ्रेम सेट और फ्रेम्स। अभी हम क्या यूज कर रहे थे, आई फ्रेम, आई फ्रेम जो है उसने रिप्लेस किया हुआ है फ्रेम को, फ्रेम सेट को। सो ये कहता है आपके इसके अंदर फ्रेम, फ्रेम सेट क्या करते थे बेसिकली, विंडोज को डिवाइड कर देते थे, यानी आपकी एक विंडो की मल्टीपल विंडोज बन जाती थी अंदर से। तो जब शुरू शुरू में हम काम करते थे तो उस वक्त जब डिवाइड लेआउट को डिवाइड करना होता था तो हम फ्रेम्स के साथ डिवाइड कर देते होते थे, लेकिन अब ये फ्रेम्स जो है ये पुराने हो चुके हैं ये टेक्नोलॉजी में, और गूगल हमें मना करता है कि आपकी वेबसाइट पे फ्रेम्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हो तो आप आई फ्रेम के थ्रू बनाएं। आई फ्रेम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें मैप ही बन सकता है, बेसिकली तो आपने देखा था ना कि आई फ्रेम ने किया क्या था, एक विंडो एक लेआउट में एक स्ट्रक्चर बना दिया था ना एक अलग, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दिया था और नीचे वाले हिस्से को अलग। तो इसी तरीके से आई फ्रेम के साथ आप वैसे भी विंडोज को डिवाइड करके चार विंडोज उसकी बना सकते हैं। आई फ्रेम में आप यूट्यूब भी लगा सकते हो,
अपनी वीडियो गैलरी बनाना चाहते हैं, एक पेज के ऊपर एक कॉलम में तीन आ रहे हो और रोज में 6-7 वीडियोस आ रही हो, तो इतने सारे आई फ्रेम लगा सकते हैं आप वीडियोस को दिखाने के लिए। तो कहता है फ्रेम आपके उसमें नहीं होने चाहिए, इसमें नहीं लगे हुए। तो कह रहे हैं ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ जी, नो एप्पल टच आइकॉन इज स्पेसिफाइड। कहते हैं इसको लगाए, ये अभी मैंने वेबसाइट खोल के दिखाई दी आपको, इसमें लगा भी हुआ था जो अभी मैंने फाइंड किया था। कहाँ पर है इसका कोड वाला जो मैंने अभी खोला था, ये खोला था एप्पल टच आइकॉन आ रहा है, ये कोड। अच्छा यहां पर क्या है, मैं इसका जूम बड़ा करके दिखाता हूं आपको, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या करना क्या है यहां पे। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन साइज इक्वल्स टू 120x120। बेसिकली क्या है, एप्पल एप्पल के मोबाइल पे वेबसाइट अगर खुल रही है तो उसके ऊपर जो आपका फेविकॉन है वो कैसा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एच रेफ इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन डैश। बेसिकली क्या किया हुआ मैंने, जो फेविकॉन वाला इमेज है उसी की एक कॉपी की हुई है और उसका ये नाम रख दिया हुआ है और उसको अपलोड करके यहाँ पर ये लिख दिया। तो ये भी एक फैक्टर है कि हम बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट अगर एप्पल एनवायरनमेंट में कोई बंदा खोल रहा होगा तो उसके लिए भी हमने इमेज के मुतालिक उसको बता दिया। ये इमेज कौन से वाला है, ये वही फेविकॉन इमेज है, 120x120 लिखा हुआ है ना, वही स्केल शेप बन रहा है। तो ये भी बताना ज़रूरी है, सिर्फ बताना ज़रूरी है, बाकी का काम क्या है, इसमें इस्तेमाल होना है नहीं होना ये बात की बात है। तो ये भी ऐड कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये भी आपने एक SEO का फैक्टर अडॉप्ट किया होगा। तो आपकी साइट पे भी ये नहीं है तो इसका तरीका क्या होगा कि एक तो ये इमेज रखिएगा इमेजेस के अंदर और ये वाला कोड लिख दें इसमें। ये कोड में स्क्रीन में बड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, वीडियो देखें तो घर जाके वैसे भी टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज ये इधर से उठाया मैंने, स्टार्स कॉलेज से लिया मैंने, starscollege.edu.bk से लिया हुआ है मैंने, उसे कॉपी कर लीजिएगा कोड को और इमेज खुद बनाना है अपना। ये वाला इमेज इमेज तो नहीं, ये वाला लेना स्टार्स अकेडमी का इमेज तो हमारा अपने वाला होगा, तो आपका जो फेविकॉन इमेज होगा उसकी एक कॉपी कर लें बस, और उसका साइज 120 कोई भी स्केल शेप में रख सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं आपके क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं हम, यहाँ क्राउलर को बता रहे हैं कि एप्पल के लिए हमारे इमेज का क्या साइज है, ठीक है। ये वाली लाइन भी देखनी है कि आपके उसमें है नहीं है तो इसे भी कॉपी करें, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये भी जरूरी है, फिर वापस आ जाए। बोल्ड कहता है ये व्यू पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। दिस पेज लोड 24 जावास्क्रिप्ट फाइल्स, दिस मे अफेक्ट लोड टाइम नेगेटिवली। कहता है इसकी वजह से नेगेटिव लोड टाइम बढ़ रहा है आपका, नेगेटिवली लोड टाइम बढ़ रहा है जावास्क्रिप्ट निकालने जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। इसके लिए भी आप डेवलपर के पास जाएंगे कि भाई इसमें से जावास्क्रिप्ट का कोड निकाल दो। ये मोबाइल में आती है, ये चीजें मोबाइल, मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपकी जो भी वेबसाइट है उसने पहले मोबाइल पर ऑप्टिमाइज होना है। अगर वो मोबाइल ऑप्टिमाइजेबल है तो डेस्कटॉप पे खुद ही ऑप्टिमाइज हो जाएगी। उसने चेक किसके हिसाब से करने हैं आपको, मोबाइल के, कि मोबाइल पे ये बंदा ठीक दिखा रहा है। क्राउलर ने पहले आपकी वेबसाइट को मोबाइल के लिए चेक करना है, अगर आप मोबाइल फ्रेंडली हैं तो आप डेस्कटॉप फ्रेंडली खुद ही हो जाएंगे। आगे क्या, आगे इमेज SEO, थ्री इमेजेस हैव नो ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये तो समझ आती है आपको, इमेजेस के साइजेस को भी देखना है, इमेजेस की देखना है कि इमेज के साइज बड़े हैं तो क्या इमेज के साइज को हम छोटा कर सकते हैं। एक तो फोटोशॉप का ऑप्शन है मेरे पास इमेज साइज छोटा करने का। अच्छा एक और है, ये देखिएगा मैं इधर आता हूँ, उधर जाकर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, बल्कि ऑप्टिमाइजेशन से भी ज़्यादा बेहतर है कॉम्प्रेशन टूल्स। बताया पहले मैंने ये कि नहीं, आगे ये लिखा हुआ है इमेज कंप्रेसर नंबर वन स्मॉल, और क्या है इमेज कंप्रेसर कितना कुछ आ रहा है। तो मैं यहां से पहले वाले को यूज कर लेता हूं, इमेज कंप्रेसर है एक टाइनी PNG, वो मैंने टाइनी URL आपको बताया था ना, ये इमेजेस के लिए टाइनी PNG, यानी कि इमेजेस को छोटा कर देगा। और कौन से वाला है, स्मॉल SEO टूल्स, ये तो इसका टूल है, इमेज कंप्रेसर है इसका भी, इस पर क्लिक कर देते हैं।
आ गए। इन्होंने इसका यूआरएल ऑप्टिमाइजेला, इसका वैसे ये नाम होता था पहले ऑप्टिमाइजेला, तो मैं इसी को ढूंढ रहा था स्क्रॉल करके कि ये किधर चला गया, पहले हम इसको देखते होते थे। ठीक है, अच्छा अब अपलोड आया, आपने करना क्या है बेसिकली, जो आपके इमेजेस हैं उनको यहाँ पर एक बार लगा कर देखें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई पिक्चर में देखते हो कोई पिक है, क्रॉस ही बना हुआ सारी तस्वीरों पे, है ना। चलो नेट से नहीं, इधर कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा, हाँ प्रोजेक्ट में होगी बहुत कुछ होगा। इधर कुछ है, ये ले लेते हैं, चलो ये कोई इमेज ही होगा मेरा ख्याल है। आगे देखें पता लगे क्या हुआ, क्या कहते हैं -65%। इसको डाउनलोड करूं 65% इसको रिड्यूस कर सकता हूं साइज को, क्या साइज आया इसका 7 किलोबाइट्स, अबाउट 8 किलोबाइट्स। अभी मैं उधर जाकर भी दिखाता हूं जहां से हम इसको लेकर आए हैं, ये इमेज खुल रहा है इसे खुलने दो, फिर करते हैं दूसरी फाइल अपलोड। कौन सी थी, ये थी, तो इसका साइज क्या था वैसे, क्या था इसका 22 किलोबाइट्स, मतलब यानी इसने कितना सारा साइज रिड्यूस कर दिया। तो ये इमेज कंप्रेशन जो है, इमेज को कंप्रेस करना, ये भी एसईओ का फैक्टर है। इमेज का नाम रखना ये भी एसईओ का फैक्टर है, और इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट की सेटिंग करना ये भी एसईओ का फैक्टर है। तो आपने एसईओ जब इमेज की बात कर रहे होंगे तो इन सारे फैक्टर्स को देखना, उसके साइज को भी देखना है कि कंप्रेस है कि नहीं कंप्रेस, क्योंकि जब आपके पास वेबसाइट आई होगी हो सकता है उस वक्त कंप्रेशन में ना हो, तो आप उसके इमेजेस के फोल्डर को अपने पास डाउनलोड कर लें और उसकी टेस्टिंग कर लें किस तरीके से। और मैंने खोला इसीलिए कि हम देख लें जब क्वालिटी में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, वैसी ही आ रही है जैसी पहले थी, उसे खोलूंगा तो इसी तरह की आएगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं है कि उसने छोटा किया है तो कुछ खराब हो गई होगी तस्वीर, हाँ सेम साइज भी उसने सेम रखा है। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं आगे, ये भी हो गया हमारा मसला हल, ये भी मैंने आपको नई चीज़ बता दिया इसमें कि यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। जब हम वर्डप्रेस यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर प्लगइन होते हैं इमेज कंप्रेशन के, अगर वो इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें जो वेबसाइट्स आ रही होंगी वो इमेज ऑटो कंप्रेस होंगे, जैसे यहाँ पर मैं मैनुअली कर रहा हूँ ना, एक तरीका ये यूज़ कर रहा हूँ, एक तरीका और भी है, फोटोशॉप भी है हमारे पास, फोटोशॉप में खोल खोल के भी हम कर सकते हैं अगर फोटोशॉप में एक्सपर्ट हो, ना हो तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क पे देखते हैं, हमने बिल्कुल इंगेजमेंट नहीं है, ये तो आप खुद कर लेंगे इंगेजमेंट्स। ठीक है, इट्स ओके। ये क्या लिखा हुआ है जी, HTTPS, द HTTPS प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट यूज, ये शो कर रहा है, इसको भी हम दिखवा लेंगे उन्हें क्यों कह रहा है, हालांकि HTTPS पे आ गया हुआ है। और नीचे आइए, आगे क्या कह रहा है, ये तो पहले भी देख लिया था हमने, ये शुरू में आ गया वापस, नहीं नहीं नीचे ही जा रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, हाँ जी ये कहता है ये स्ट्रक्चर आपने किया हुआ है, ये आपका टेक्स्ट आ रहा है सारा, तो कहते हैं आपने इस तरीके से हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो कुछ चीजें यहां पे ये कह रहा है आपको कि क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग इज मिसिंग वन आर मोर लेवल्स, डू नॉट स्किप हेडिंग लेवल, एक एच वन नहीं है ना बेसिकली, उसी की वजह से सारी स्टोरी डाल दें आपके साथ। ठीक है, उसे लेकर आए तो ठीक हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, लिंक स्ट्रक्चर, कहते हैं देयर आर टू फ्यू इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स कम है, एवरी लिंक इज यूनिक, ठीक है, नन ऑफ द एंकर टेक्स्ट इज टू लॉन्ग, कहता बहुत लंबा आपका एंकर टेक्स्ट भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है, ये ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देयर आर 11 एक्सटर्नल लिंक्स ऑन द पेज, इसको बढ़ाएं थोड़ा सा, ठीक है, कहता है 11 है ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा होने चाहिए। आगे आ जाए,
ये लिंक्स बता रहा है कौन कौन से हैं पेज के ऊपर जो बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ये सारा सर्वर से रेलिवेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो तो हम उधर से करवाएंगे। ये क्या नीचे परफॉर्मेंस, इसमें भी सीएसएस इशू है, जावास्क्रिप्ट इशू है जिसकी वजह से स्पीड इशू कर रही है, तो ये डेवलपर से हम करवाएंगे। वापस आते हैं, हम देखते हैं हमसे रेलिवेंट क्या चीज़ आ रही है। ये क्या कहता है? कहता है बैक लिंक्स नहीं लगे हुए, बैक लिंक्स लगाएं कहता है इसके ऊपर। ठीक है, आगे क्या कहता है? फेसबुक पॉपुलैरिटी द पेज हैज चेंज्ड। अब ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर जो पेज आपने यूज किया हुआ फेसबुक पेज, कहता है वो पॉपुलर नहीं है, तो उसको भी उसकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा करें तो इससे भी आपका रैंक बेहतर होगा। आगे क्या आ गई है? रिपोर्ट्स फाइल, छोड़ते हैं तो आपको समझ आती है। आगे क्या आ रहे हैं? फॉलोइंग कीवर्ड्स वर फाउंड, यू कैन चेक कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पेज फॉर ईच कीवर्ड। ठीक है, वो तो आप चेक कर लो। मिसाल के तौर पर ये क्या कह रहा है, डिजिटल ये वाला है हमारा मेन जी, चेक किया मैंने कुछ, नो मोर चेक्स अवेलेबल टुडे। कहता बस बहुत हो गया आपका, आज का कोटा इतना ही था। ठीक है, मुफ्त में इतना ही काम आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इतना सा करने के बाद आप 70 पे चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इनकी वेबसाइट की स्पीड को भी चेक करना चाहते हैं, लाजमी बात है स्पीड में भी इनका रोल नहीं होगा, सारा डेवलपर का ही रोल होगा, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट थी? जी टी मैट्रिक्स। चलो जी, वेबसाइट लिखाएं, ये चलिए अब आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है, अगला लेक्चर में लिंक बिल्डिंग के ऊपर दूंगा आपको। क्या वो अगला लेक्चर करेंगे ना उसमें? वो तो वो एक किस्म का आप समझ लो कि डंकी वर्क है सारा, मतलब आपको लिंक्स होंगे 500 डेली पोस्ट करने हैं आपने, पोस्टिंग है दूसरों की वेबसाइट में, सिर्फ ये उसमें टेक्निकल काम ये है कि आपने वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करना है, वो खुद से ढूंढना है कहाँ कहाँ लगाने हैं, रेलिवेंसी ढूंढनी है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक एजुकेशनल वेबसाइट है और आप गेस्ट पोस्ट करना चाह रहे हैं, और मेरे पास जो मेरा बंदा है जिसके मैंने गेस्ट पोस्ट करनी है वो कमर्शियल किचन सेल करता है, और मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो एजुकेशनल वेबसाइट की है, तो मैं उधर लगा दूंगा तो वो जितनी अच्छी मर्जी स्ट्रेटेजी हो वो तो नाकाम हो जाएगी, तो हमें बस ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, इंशाल्लाह एक एक लेक्चर या दो लेक्चर इसके होंगे। लो जी, डी पे हैं आप, तो कुछ बेसिक चीज़ें ठीक करें तो शायद स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर हो जाए। लो, कोई बुरी बात नहीं है, फेल तो नहीं है ये, ठीक है। एलसीबी क्या है? सिंपली अगर इसका स्लाइडर हट जाएगा ना तो एलसीबी ठीक हो जाएगा इसका एकदम। एलसीबी क्या होता है? हट जाएगा, आप ना हटाएं लेकिन हट जाएगा। अभी आप एसईओ पे फोकस करें ना, मैंने कहा अगर स्लाइडर नहीं लगाया लगाया होगा ना किसी वेबसाइट पे तो ये मसला हल हो जाएगा, और अगर लगाया भी होगा और इसके फोल्ड कंटेंट से नीचे होगा फिर भी हल हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड जो है ना वो इधर से मैयर हो रही है, इस पहले पेज से आपकी स्पीड का अंदाजा लगा रहा है वो। इसके नीचे क्या है उसको कुछ, उसको उसने ये देखना है कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज का जो टाइम है वो मेरा स्टैंडर्ड टाइम है कि नहीं है, तो जब उधर से बड़ी बड़ी चीजें आप हटा दोगे तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज छोटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने जो इमेजेस लगाए हुए हैं तो जरूरी तो नहीं है कि इमेज बहुत बड़े बड़े इमेजेस लगाए, आप अपना कंटेंट बढ़ा लें इमेज के साइज छोटा कर दें, इसका मतलब क्या होगा और स्पीड बेहतर होगी आपकी, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई ये मेरा पेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है वेबसाइट, ये लैप डेस्कटॉप है ये हमारा, तो डेस्कटॉप के ऊपर ये पेज आपका नजर आ रहा है, तो आपने कितनी स्पेस इमेज के लिए ली हुई है और इधर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है छोटा छोटा करके, आप यूं कर सकते हैं कि इतनी स्पेस इमेज के लिए ले लें और अच्छा सा कलरफुल सा इमेज हो और बाकी सारा टेक्स्ट लिखा,
और इमेज अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि एलसीपी में आपने फिर कुछ पॉइंट्स ले लिए उससे, यानी कि आपका जो एलसीपी है वो फिर कम हो जाएगा। लार्जेस्ट कंटेंट फुल लोड होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, या बहुत ही कम टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है कि आप बी से ए पे शिफ्ट कर जाए। ये आपकी वेबसाइट की स्पीड स्कोर है, इसका इंटरनेट की स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को लोड होने से है। ठीक है, अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे मैं किसी क्लाइंट को जाकर कहूँ कि यार आपकी वेबसाइट तो बड़ी स्लो चलती है, तो वो एकदम मुझे अपने मोबाइल पे खोल के यूं करके यूं दिखा देगा, ये देखिए खुल गई। ठीक है, तो ये नहीं है क्राइटेरिया हमारा। मैं कह ये क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि मैं एक वेबसाइट को अपने मोबाइल पे खोलूंगा, जब मैं दोबारा खोलूंगा तो वो वेबसाइट तो लाइव नहीं खुलेगी, मेरे मोबाइल से खुल जाएगी, कैश मेमोरी से खुल जाएगी वो। तो ये क्राइटेरिया नहीं है हमारा। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि वो जो स्टैंडर्ड है स्पीड के, हमने उनको देखना है। यहाँ पर काफी चीजें आ रही हैं। ले जी, ये हो गया हमारा काम खत्म।